तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, आपने मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट पर हमारे उस्ताद मोहतरम के चैनल को सब्सक्राइब किया। इस वीडियो से पहले मैं एक लाइव किया था, उस लाइव के अंदर मैंने अपने उस्ताद मोहतरम के चैनल का आपको इंट्रोडक्शन कराया था कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको दीनी मसले मसाइल जो सही दीनी बात होती है वो आप तक पहुँचेगी, गलत मसले मसाइल से आप लोग हट जाइए, और सही मसले मसाइल जानने के लिए उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं मुफ्ती असरार इस पेज। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। 13 अगस्त को एक बड़ी खबर निकल कर हमारे सामने आ रही है। राम जो वहाँ के राम मंदिर भूमि पूजन के अंदर जिन्होंने शिरकत की थी उन लोगों के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि वहाँ पर शामिल होने वाले राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। जी हाँ, राम मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष जो है महंत नृत्य गोपाल दास, उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उनका जो कोरोना जांच कराई गई, उनके सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उनकी रिपोर्ट जो है कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। देश भर में 5 अगस्त से पहले ही असदुद्दीन ओवैसी समेत दूसरे तमाम बड़े नेता मोदी और भूमि पूजन के आयोजन पर शिरकत करने वाले लोगों पर सवाल खड़े कर रहे थे कि कोविड-19 के दौर में वहाँ पर ऐसा आयोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन पीएम मोदी, सीएम योगी, मोहन भागवत इन सभी ने वहाँ पर शिरकत की, और वहाँ पर शिरकत करने वाले राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नाम नृत्य गोपाल दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो मुमकिन है कि वहाँ मुलाकात हुई होगी, तो उनको भी अब अपना टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए। और दोस्तों, 5 अगस्त से पहले हमारे पास एक बड़ी खबर आ गई थी कि राम मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं उनको कोरोना हो गया था, उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, और वहाँ पर जो सुरक्षा में तैनात 15 पुलिस अहलकार थे उनकी भी जो रिपोर्ट है वो कोरोना पॉजिटिव आई थी। तो जब इन लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई थी, देश में सवाल खड़े हो गए थे कि अभी से राम मंदिर को बंद कर देना चाहिए, जिस तरह से हर उस जगह को बंद कर दिया जाता है जहाँ पर कोरोना के केस सामने आते हैं। लेकिन राम मंदिर का वहाँ जो इलाका है जिस जगह कोरोना पॉजिटिव पाए गए वहाँ सील नहीं किया गया, और दोस्तों वहाँ पर फिर 5 अगस्त को बड़ा आयोजन भी किया गया, उसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए कि अभी आयोजन एक तो इसलिए नहीं करना चाहिए, कोविड-19 बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत कोरोना वायरस फैल रहा है, और वहाँ तो पहले ही 16 केस सामने आ गए थे, लेकिन फिर भी वहाँ पर आयोजन किया गया। और एक बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है 5 अगस्त के बाद, जो बड़ी खबर 13 अगस्त को हमारे सामने आई है, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष को कोरोना हो गया है। तो इससे मोदी के लिए और वहां पर शामिल होने वाले हर उन बड़े नेताओं के लिए खतरा है जिन्होंने राम नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की थी। उन लोगों को क्वारंटाइन हो जाना चाहिए, अपने अपने टेस्ट कराकर अपनी रिपोर्ट जो है वो उनको बतानी चाहिए कि उनकी रिपोर्ट क्या आई है, क्या वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, खैर जो भी है। लेकिन इस तरह का आयोजन हम सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कोविड-19 का जो इतना दौर चल रहा है, इतना ज़्यादा कोविड-19 कोरोना वायरस फैल रहा है, अभी किसी तरह का कोई आयोजन देश के अंदर नहीं होना चाहिए। 50-60 हज़ार कोरोना के केस सामने आ रहे हैं, इससे बचने के लिए हमें तमाम अपने आयोजनों को रद्द कर देना चाहिए। तो ये बड़ी खबर 13 अगस्त की थी जो मैंने आपके सामने रखी, जल्दी से फटाफट इसको सभी लोगों के पास शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।